पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। यहां तक कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और दोनों को गिरफ्तार करने की मांग की। जामा मस्जिद के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शनिवार को भी जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस को अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी गई थी। पुलिस के मुताबिक जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार को लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अभी हमने 188 में मामला दर्ज किया है, जो कि इलीगल लॉफुल डायरेक्शंस को तोड़कर कुछ और करने जो उन्होंने किया है वहां पे, उसके अगेंस्ट किया गया है। लेकिन इसमें और भी धाराएं अब जोड़ी जाएंगी। जो भी हमारे पास कंटेंट्स हैं, सीसीटीवी वगैरह देके, फुटेजेस देके, खुद भी जो हमारे पुलिस फोर्स वहां प्रेजेंट रही है उसको देखे, हम बाकी जो इन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है उस तरह की धाराएं भी इसमें ऐड की जाएंगी। बताते चले कि शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर से लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर भारी भीड़ देखी गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। अब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार तक किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।